हेलो दोस्तों, वेलकम टू रोड टू आईआईटी। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि सेकंड राउंड जिसका रिजल्ट कल रात को रिलीज हुआ था, उसका कट ऑफ भी अब निकल चुका है। ठीक है, तो अब इसका इस्तेमाल हम लोग कैसे कर सकते हैं वो हम थोड़ा चर्चा करेंगे। कैसे कट ऑफ देंगे वो भी मैं बात करूंगा। देखो, हम जाएंगे वेबसाइट पे, वेबसाइट पे हमें यहाँ जाने के बाद OR CR 2020 वहाँ पर क्लिक करेंगे। तब हमें जाके वहाँ पर मिलेगा राउंड वन एंड राउंड टू। पहले आज सुबह तक, अभी मतलब आधे एक घंटे पहले तक राउंड वन ही दिख रहा था, अब राउंड टू दिख रहा है। तो राउंड टू पे मैं क्लिक करूंगा यहाँ पे। देन व्हाट आई विल डू इज़ आई विल सिलेक्ट द इंस्टीट्यूशन टाइप, लेट्स से IITs। देन आई विल सिलेक्ट द इंस्टीट्यूशंस, लेट्स से IIT बॉम्बे। एंड देन आई विल सिलेक्ट द टाइप ऑफ कोर्स वी वॉन्ट आई वॉन्ट। ठीक है, तो वहाँ पे जाके क्लिक करके सबमिट मैं करूँगा, तब मुझे क्या दिखेगा, पूरा का पूरा यहाँ पे कट ऑफ दिख जाएगा। देखो, आपके सामने आ गया है, ठीक है, कट ऑफ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, पहले एरोस्पेस का, कंप्यूटर साइंस का देखते हैं हम लोग, थोड़ा सिविल इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस ये रहा। ठीक है, कंप्यूटर साइंस ओपन कैटेगरी 2 to 66। एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, लास्ट भी जो राउंड वन का था वो भी 2 to 66 ही था। ठीक है, कोई फर्क इसमें नहीं पड़ा है, जस्ट एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अब इसका हम लोग कैसे फ़ायदा ले सकते हैं, तो मैं बता रहा हूँ कि इसका आप लोग कुछ खास फायदा नहीं ले पाओगे। आप पूछोगे सर क्यों, क्योंकि मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, आपकी चॉइस फिल्ड हो चुकी है और आपने प्रेफरेंस भी सेट कर दिया है। आप क्या कर सकते हो इसका फायदा, कि आप फ्लोट या स्लाइड इसमें से कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट कर रहे हैं वो आप यहाँ से डिटरमाइन कर सकते हो। वो कैसे, एक बार मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, थोड़ा मैं वापस जाता हूँ और अब मैं यहाँ पे दूसरी कॉलेज सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, लेट्स से मैं सिलेक्ट करता हूँ NIT। ध्यान से सुनना, मैं किस तरह से बताना चाह रहा हूँ तो आपको थोड़ा आइडिया रहेगा इसमें। ठीक है, NIT ले ली मैंने और उसमें मैंने डाल दिया मालविया जयपुर वाला, और उसके बाद मैंने सिलेक्ट कर दिया ऑल। ठीक है, और मैंने दे दिया सबमिट। ठीक है, तो ये मालविया इंस्टीट्यूट का मुझे कट ऑफ खुल जाएगा। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं एक एग्जाम्पल देने वाला हूँ, वो ध्यान से समझ लेना। कंप्यूटर साइंस का ही एग्जाम्पल दूंगा, तब आपको थोड़ा ज़्यादा समझ में आ जाएगा कि मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ, कि आप इसका फ़ायदा कैसे उठा सकते हो। तो ओपन कैटेगरी में कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग आप देख सकते हो 1133 to 3449 होम स्टेट के लिए है। ठीक है, होम स्टेट के लिए बच्चों के लिए ये कट ऑफ गई है। अब कई बच्चे ऐसे होते हैं, मुझे एक दो बच्चों का कॉल भी आया था, मेरे आसपास रहते हैं वो, कि सर मुझे होम स्टेट में रहना है, मतलब मुझे जयपुर में रहना है, मुझे गुजरात में रहना है, मुझे राजस्थान, मतलब अपने होम स्टेट में ही जाना है। तो आप एक थॉट प्रोसेस यहाँ पे अपना सकते हो। आपने सोचा कि आपका रैंक है सपोज के 4 या 5 हज़ार, और आपको मिला है, क्या मिला है आपको, कोई दूसरी ब्रांच कंप्यूटर के अलावा, लेट्स से मैकेनिकल केमिकल जो भी आपको मिला है। ठीक है, तो आप क्या सिलेक्ट कर सकते हो, आप यहाँ पे स्लाइड ऑप्ट आउट कर सकते हो अगर आपको बाहर नहीं जाना है। तो आपने स्लाइड सिलेक्ट कर दिया, ठीक है, तो आपकी वो सीट तो रहेगी हमेशा। और अगर आपने ऊपर स्लाइड में आपने कंप्यूटर डाली है, ठीक है, आपको अभी सपोज से केमिकल मिला है और ऊपर आपने मैकेनिकल और कंप्यूटर डाल रखा है, तो उन दोनों में से जहाँ भी आपका जगह खाली होगा वहाँ पे आपको तुरंत मिल सकता है। ठीक है, और स्लाइड में हमेशा चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो ये एक थॉट प्रोसेस आप अपना सकते हो। इसी तरह से लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल, कि कोई कोई और बच्चा है जो रहता है लेट्स से दिल्ली में, और उसे जाना है इसमें MNIT जयपुर में, मालवीय इंस्टीट्यूट में, उसमें उसे उसे जाना है। ठीक है, और उसका भी रैंक 5 हज़ार है, उसका भी रैंक कितना है, 5 हज़ार है। तो वो पहले मतलब कि अभी लेट्स से उसने वो फ्रीज करने का सोच रहा था, उसे जो भी कॉलेज मिली थी लेट्स से NIT दिल्ली मिली थी, लेकिन अब उसने कट ऑफ देखा कि भैया यहाँ पे कट ऑफ अदर स्टेट के लिए कितना है, ये होम स्टेट था, अदर स्टेट के लिए है 3441। ठीक है, वही कंप्यूटर इंजीनियरिंग में 3441 है। उसने देखा कि यार मेरा सिर्फ 1400 रैंक कम है, तो आई स्टिल हैव अपॉर्चुनिटी। ठीक है, तो यहाँ पे वो फ्लोट सिलेक्ट कर सकता है फ्रीज के अलावा। एक्चुअली ये चीज़ इतनी मैटर क्यों नहीं करती है, क्योंकि अगर मेरी पर्सनली बात करो तो मैं हमेशा फ्लोट ही ऑप्शन सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, क्योंकि मुझे फ्लोट ज़्यादा सही लगता है। लेट्स अज्यूम कि आप टॉप 100 में नहीं हो, ठीक है, अगर आप टॉप 100 में नहीं हो तब आपको हमेशा ही फ्लोट सिलेक्ट करना चाहिए। मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि सारे बच्चों का टॉप नहीं आया है। ठीक है, तो अगर जिस बच्चे का लेट्स से 10 हज़ार रैंक है और उसे सबसे अच्छी कॉलेज चाहिए और उसने बेस्ट प्रेफरेंस सिलेक्ट किया है, तो उसके लिए तो मैं बोलूँगा फ्लोट ही जाना चाहिए। अगर उसके दिमाग में ये थॉट प्रोसेस नहीं है कि नहीं मुझे होम स्टेट में ही रहना है, अगर आपका ये थॉट प्रोसेस है तो आपको बाकी की कॉलेज फिल ही नहीं करनी चाहिए थी। अगर आपने कर दी है तो आप ट्राई करो कि आप अपना स्टेट में ले लो, और फिर जैसे ही आपको अपनी स्टेट वाली NIT में मिले तब आप स्लाइड करो। अगर आपका थॉट प्रोसेस ये है कि नहीं मुझे कोई भी NIT चलेगी या कोई भी IIT चलेगी, मैं IIT में तो चलो होम स्टेट और वो वाला बात ही नहीं है, तो आपको हमेशा फ्लोट सिलेक्ट करना चाहिए, क्योंकि मेरे हिसाब से बेस्ट वे ही यही है चॉइस फिलिंग का, कि
कि आप क्या करो, आप एकदम बढ़िया प्रेफरेंसेस जो मैं हमेशा से बात करता था आप सिलेक्ट कर दो, और जो भी आपको सपोज कि आपने 100 प्रेफरेंसेस डाली, आपको 70वां नंबर का कॉलेज मिला है, ठीक है, आप वहाँ पे भी ले ही लोगे एडमिशन, लेकिन आप लास्ट राउंड तक फ्लोट सिलेक्ट करते जाओ, फ्लोट सिलेक्ट करते जाओ, फ्लोट सिलेक्ट ही करते जाओ, और आप अपना बेस्ट चॉइस आपको मिल जाएगा, ठीक है। यही मेरा एक तरीका था, लेकिन कई लोगों का अपना अपना थॉट प्रोसेस होता है, ठीक है, कि हम डाल तो देते हैं सारे कॉलेज, लेकिन फिर हमें लेट्स अज्यूम कि मुझे मिल गया IIT पटना और मैं खुद बिहार से हूँ, तो मैं सोचूंगा कि चलो यार बाहर नहीं जाना है, मेरा उतना अच्छा रैंक भी नहीं है, तो लेट्स नॉट डू मैनी थिंग्स और बहुत ज़्यादा लपजप में नहीं पड़ते हैं, सीधा हम सिलेक्ट कर देते हैं फ्रीज या स्लाइड, ठीक है, तो वही कॉलेज में आगे जा पाएंगे, या तो फिर फ्रीज करके सीट ले ही लेते हैं। यह भी बहुत सारे लोगों का थॉट प्रोसेस होता है, विच इज़ ओके, लेकिन बेस्ट मैं तो बोलूंगा कि अपने अगर प्रेफरेंस अच्छा सिलेक्ट किया है आपको, यहाँ जहाँ पे मिला है उसकी सारी की सारी ऊपर वाली जगह पे आप जाना चाहते हो, तो मैं बोलूँगा कि फ्लोट ऑप्शन सिलेक्ट करना चाहिए, दिस इज़ द बेस्ट वे। तो अभी हम क्या कर सकते हैं, मैं बोलूँगा कि नॉट दिस विल दिस इज़ नॉट दैट मच यूजेबल अकॉर्डिंग टू मी, लेकिन हाँ फ्लोट और स्लाइड इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन चाहिए वो आप यहाँ पे थोड़ा इस्तेमाल करके यहाँ पे जा सकते हो, तो मैं बोलूँगा कि कट ऑफ रिलीज हो चुका है, आप जाइए देखिए। यहाँ पे इन लोगों ने यार जो शेड्यूल में लिखा था कि अवेबिलिटी स्टेटस दिखाएंगे, वो यहाँ पे कहीं पे भी नहीं दिख रहा है, ना यहाँ पे दिख रहा है। एक्चुअली आप अगर वापस पीछे जाओगे, बैक जाओगे, तब आपको बैक जाने के बाद जो ओरिजिनल था वहाँ पे कई बार दिखता था, ठीक है। ओके, ये जोशा खुल गया, जस्ट अ सेकेंड, मैं आपको दिखाना हूँ मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ वो आपको दिखाता हूँ मैं, ठीक है। आप देखो यहाँ पे कि ये ORCR 2019 है, उसमें जाने के बाद आपको यहाँ पे दिख रहा है कि इंस्टीट्यूट वाइज अलॉटमेंट्स ऑफ स्टेट इन एकेडमिक प्रोग्राम, तो मतलब हर राउंड में कौन सा अलॉटमेंट हुआ था वो दिख रहा है यहाँ पे, लेकिन 2020 की अगर बात करें तो ऐसी कोई चीज़ यहाँ पे नहीं दिख रही है, ठीक है, विच इज़ रॉन्ग। जो इन लोगों ने शेड्यूल में लिखा था उन लोगों को दे देना चाहिए था, अगर ये दिया होता ना तो दैट कैन बी अ गुड इंसाइट फॉर अस, ठीक है, लोगों के लिए एक होप होती, ठीक है, अभी बहुत सारे बच्चे फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, उन लोगों के लिए एक अच्छी होप का काम करती है। चलो कोई नहीं, अभी तो नहीं आया है, तो ये कट ऑफ रिलीज हो चुका है, ये जाइए अपने हिसाब से थोड़ा अपना खुद का सेल्फ रिसर्च करिए मैं बोलूँगा, और कोई भी डाउट हो तो ज़रूर से हमें कमेंट करिएगा, वीडियो को ज़रूर से लाइक शेयर एंड चैनल को हमारी सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर से शेयर करिए चैनल को, ठीक है। आप देख सकते हो कि कब तक का टाइम है, कल 5 बजे तक का टाइम है, अभी 5 बजे मैं अपलोड कर रहा हूँ, मतलब ऑलमोस्ट एक दिन का टाइम है आपके पास फी पेमेंट डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए, और उसके बाद एक और दिन, मतलब टोटल 2 दिन का टाइम है आपके पास क्वेरी को रिस्पॉन्स करने के लिए, रिस्पॉन्ड करने के लिए, ठीक है, और विथड्रॉ ऑप्शन करने के लिए भी आपके पास 2 दिन का टाइम है। तो ये कट ऑफ ये तो मैंने बता दिया था, लेकिन जस्ट एक रिमाइंड दे रहा हूँ मैं, तो ध्यान से करिएगा, रिजल्ट भी डिक्लेयर हो चुका है, कट ऑफ भी डिक्लेयर हो चुके हैं, कोई और अपडेट आएगी तो मैं ज़रूर से आपको बताऊंगा। टिल देन दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।